हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये थालपोस बनाना बताऊंगी। बनाने में बहुत इजी है, देखने में बहुत सुंदर लगता है और आप इसको बचे हुए ऊन से बना सकती हैं। आइए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस तरह से एक लूप बनाऊंगी। ये लूप बनाने के बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छः चेन बना के फर्स्ट चेन में इस तरह से क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच कर दूंगी। और यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये 3 चेन का एक डबल क्रोशिया हो गया मेरे पास। और यहाँ पे मैं 20 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी, तो टोटल मेरे पास 21 डबल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए इसी तरह से इस धागा को ऐसे पकड़ के और इस लूप में इस तरह से क्रोशिया डाल के यहाँ पे देखिए टोटल, देखिए 1 2 3 4 हो गया टोटल। मैं 21 डबल क्रोशिया बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 21 डबल क्रोशिया बन के कम्प्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे देखिए ये जो चेन है, थर्ड चेन में मैं इस तरह से क्रोशिया डालूँगी। और देखिए अब मैं इसमें रेड कलर का धागा लगाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, रेड कलर का धागा मैं से स्लिप स्टिच कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से स्लिप स्टिच कर दूंगी और यहाँ पे एक चेन बना दूंगी। एक चेन बना के और देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले चेन में डाल के मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। और ये हो गया। अब फिर सेकंड चेन में मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 और ये 2। और इस ये जो रेड वाला धागा है, इसको इसी के साथ ऐसे बीनते जाऊंगी, लेते जाऊंगी। देखिए फिर सेकंड वाले में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2, फिर सेकंड, फिर 2 के बाद एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 और 2 का इसी तरह से बना जाऊंगी। देखिए 1 इसमें एक बनाया, अब यहाँ पे मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर देखिए इसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से इस पूरे सर्कल में देखिए 1 में 1 फिर 2 1 2, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस सर्कल को पूरा कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बन के कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चेन बन गया। 4 चेन बना के देखिए यहाँ पे 1 और 2 चेन को स्किप करके तीसरे चेन में इस तरह से क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच कर दूँगी। फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 चेन बनाया और देखिए यहाँ पे 1 और 2 चेन को स्किप करके तीसरे में इस तरह से क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच कर दूंगी। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चेन और यहाँ पे देखिए 1 2 को स्किप करके तीसरे में इस तरह से क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच कर दूंगी। इसी तरह से फिर से इस सर्कल को पूरा बना के मैं आपको, देखिए इस तरह से बन के आएगा, छोटे छोटे लोग बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बन के कम्प्लीट हो गया ये रो। अब मैं क्या करूँगी, इसमें वाइट कलर का धागा लगाऊंगी। देखिए इस तरह से, और फिर देखिए इस लूप में इस तरह से क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। और यहाँ पे 1 2, ये 2 चेन मेरा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसमें मैं 4 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5, ये 4 डबल क्रोशिया हो गया और ये 2 चेन का एक डबल क्रोशिया, तो मेरे पास टोटल 5 हो गया। फिर सेकंड लूप में मैं इस तरह से क्रोशिया डाल के फिर 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4, देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से इस पूरे सर्कल को बना के हर लूप में मैं 5-5 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें
ऑरेंज कलर का धागा लगाऊंगी। देखिए इस तरह से, एक चेन बना दूंगी, धागे को थोड़ा थोड़ा खींच दूंगी और देखिए यहाँ से मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। एक सिंगल क्रोशिया हो गया, दो, तीन, चार, चार चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और पांचवे में मैं दो सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए एक, दो, फिर देखिए यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, चार में मैंने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया, पांच में मैं दो सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए एक, दो। इसी तरह से इस पूरे सर्कल को बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये चार डबल, चार सिंगल क्रोशिया हो गया। अब ये पांचवें में जो मैंने फर्स्ट वाला स्किप किया था उसमें मैं दो सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। देखिए एक, दो, और इसमें मैं डाल के स्लिप स्टिच कर दूँगी। और फिर यहाँ से देखिए एक, दो, तीन, चार, चार चेन लूँगी और यहाँ पर देखिए एक, दो, दो चेन स्किप करके तीसरे में मैं डाल के इस तरह से स्लिप स्टिच कर दूंगी। फिर यहाँ पर देखिए एक, दो, तीन, चार, चार चेन बनाऊंगी और यहाँ पर देखिए एक, दो को स्किप करके तीसरे में मैं इस तरह से क्रोशिया डालूंगी। तीसरे में मैं इस तरह से क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच कर दूंगी। इसी तरह से इस पूरे सर्कल को बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बनके कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें वाइट कलर का धागा लगाऊंगी। अब देखिए ये जो लूप मैंने बनाया है इसमें इस तरह से क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पे एक, दो, दो चेन, तो ये दो चेन एक डबल क्रोशिया हो गया और इसमें मैं तीन डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। देखिए एक, दो, तीन। तो देखिए यहाँ पे ये एक, दो, तीन, चार, चार डबल क्रोशिया हो गया। फिर सेकंड वाले में भी मैं चार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए एक, दो, तीन, चार। और ये और रेड कलर के धागे को मैंने कट कर दिया, ऑरेंज कलर के धागे को भी कट कर दूंगी और इसी तरह से इस पूरे सर्कल को बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये रो मेरा बनके कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक, दो, तीन, तीन चेन बनाऊँगी और देखिए ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से लेके क्रोशिया के पीछे से क्रोशिया, देखिए डबल क्रोशिया के पीछे से धागा क्रोशिया लेके और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिया। फिर देखिए यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बन के आएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक डबल, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से इस पूरे सर्कल को बना के कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बनके कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे अगेन फिर इसी तरह से बनाऊंगी। देखिए एक, दो, तीन, तीन चेन बनाऊंगी और ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया मैंने बनाया है इस पे यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और ये जो एक चेन बनाया था इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, सॉरी देखिए यहाँ पे ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक चेन
और यहाँ पे इस रो में जो मैंने यहाँ पे चेन बनाया था फ्रंट पोस्ट के बाद, उस चेन में इस तरह से एक डबल क्रोशिया। फिर देखिए इसको स्किप कर देंगे और यहाँ पे देखिए जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इस पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक चेन और इस चेन में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस पूरे रो को बना के कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये रो मेरा बन के सेकेंड रो भी मैंने बना लिया है। दोनों रो में देखिए एक एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया बना है। इस रो में हम एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे तीन चेन बना के और देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक चेन और यहाँ पे जो ये चेन बनाया था मैंने इसमें देखिए एक दो दो डबल क्रोशिया बनाया। देखिए दो डबल क्रोशिया बनाया। अब इसको स्किप कर देंगे और इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन। फिर इसमें देखिए फ्रंट इस यहाँ जो ये चेन बनाया था इसमें देखिए एक दो दो डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से देखिए इसको स्किप कर देंगे और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक चेन और यहाँ पे इस चेन पे मैं दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दो, ये रो इसी तरह से बन के कम्प्लीट हो जाएगा। सेकेंड रो भी सेम इसी तरह से बनेगा। और उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे मैंने दो बनाया है तो दो रो मैंने एक एक डबल क्रोशिया का बनाया है, दो रो दो दो डबल क्रोशिया का बनाएंगे और तीन रो तीन तीन डबल क्रोशिया का बनाएंगे, चार और फिर तीन रो और चार चार डबल क्रोशिया का बनाएंगे, तीन रो पाँच पाँच डबल क्रोशिया का बनाएंगे। तो ये पूरा बना के कम्प्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये रो मेरा बनके ये पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट दो रो मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया है, उसके बाद दो रो देखिए यहाँ पे दो दो डबल क्रोशिया बनाया है और तीन रो तीन तीन डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया है, तीन डबल क्रोशिया का देखिए एक दो तीन रो और तीन रो मैंने देखिए एक दो तीन रो देखिए एक दो तीन चार 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 डबल क्रोशिया का तीन रो बनाया है और देखिए तीन रो मैंने पांच पांच डबल क्रोशिया का बनाया है। देखिए एक दो तीन चार पांच, ये तीन रो मैंने पांच पांच डबल क्रोशिया का बनाया। ये बनके मेरा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स अब मैं ये रेड कलर का धागा लूँगी और यहाँ पे देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इस बीच में मैं इस तरह से क्रोशिया डाल के तरह से धागे को कर देंगे और गांठ लगा देंगे। यहाँ पे एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर देखिए यहाँ पे एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पे देखिए ये जो ये दो धागा है इस दोनों को इस तरह से लेके स्लिप स्टिच कर लेंगे तो ये मेरा पर्ल स्टिच हो जाएगा। फिर देखिए फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे देखिए एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे और देखिए इस तरह से जो ये दो धागा है इसमें इस तरह से क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से फिर यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे देखिए एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे और इस तरह से देखिए इस दोनों धागे को लेके एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए एक तीन चेन का एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया, टोटल चार डबल क्रोशिया हो गया और तीन डबल क्रोशिया और बनाएंगे। और ये जो पर्ल स्टिच है ये चेन या ये जो तीन चेन बनाया है इसमें मैं पर्ल स्टिच नहीं बनाऊंगी, बाकी जो छह डबल क्रोशिया है इसमें ये इस तरह से बनेगा। ये बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा सात डबल क्रोशिया बन गया है और ये ऊपर में मैंने एक दो तीन चार पाँच छः
छः पर्ल स्टिच बनाया है। अब मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये 5 डबल क्रोशिया एंड किया है, यहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। देखिए इस तरह से वर्क को लॉक कर दूँगी और यहाँ से मैं देखिए एक दो दो चेन बनाऊँगी और ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसमें मैं इस तरह से डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। फिर यहाँ पर देखिए एक दो दो चेन बनाऊँगी और यहाँ पर देखिए जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इसमें मैं एक सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। इसी तरह से मैं यहाँ पे वर्क के एंड तक बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैंने धागे को कट कर दिया है और इसको मैं थ्रेड को पीछे कर दूँगी। अब मैं इसमें ऑरेंज कलर का धागा लगाऊँगी। देखिए अब मैं यहाँ पे देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है इस बीच में मैं इस तरह से क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, एक दो दो चेन बनाऊंगी और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक दो तीन तीन चेन और ये जो दो धागा है इसमें इस तरह से क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच कर दूँगी। फिर अगेन मैं तीन डबल एक डबल क्रोशिया, देखिए एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे देखिए एक दो तीन तीन चेन और इसमें इस तरह से पर्ल स्टिच। इसी तरह से देखिए ये 6 बार पर्ल स्टिच बना के मैं आपको और ये एक तीन का चेन टोटल 7 डबल क्रोशिया बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा 7 डबल क्रोशिया बन गया है। अब अगेन मैं फिर इसमें इस तरह से क्रोशिया डाल के एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और यहाँ पर देखिए एक दो दो चेन बनाऊँगी और इसमें देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया में इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर देखिए एक दो दो चेन, फिर इस तरह से क्रोश सिंगल फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया में इस तरह से क्रोशिया डाल के और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस रो को भी बना के कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, फिर आपके पास जो जिस कलर का भी धागा है ऊन है आप उस कलर के ऊन से बना सकते हैं। मेरे पास जो मैंने जितने प्रोजेक्ट बनाए उसमें सब में थोड़ा थोड़ा ऊन बचा हुआ था तो उन सब ऊन से मैं अलग अलग कलर डाल के हर पेटल में इस तरह से बनाऊंगी और बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये रो मेरा बन के कम्प्लीट हो गया है, मैंने बना लिया है, बहुत जल्दी बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।